ये बताइएगा कि टीम सिलेक्शन की बात होगी तो 1995 में क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि आपने किसी प्लेयर को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था और उसने आपको काफी हैवी किस्म की ट्रैक दी थी या आप पे हमला किया था? ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। आई थिंक उस वक्त ये था कि हम टैलेंट हंट के जरिए एक आध हम ये कर रहे थे, एक कैंप लगाया हुआ था, मैं उसका कैंप इंचार्ज भी था और मैं सिलेक्टर भी था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि मुझे एक प्लेयर को ना सिलेक्ट करने के ऊपर मुझे कहा जा रहा था कि आपने उसको अगर सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आप कल ग्राउंड में ना आइएगा, इस किस्म की चीज हुई थी। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, देखें इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह ताला के हाथ में होता है। आप सही नीयत से काम करते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम, मैं तो इसी खुलिए के साथ काम करता रहूं जब तक भी किया, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आई थिंक ये हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। लेकिन इस किस्म के तो प्रेशर्स हम पे बहुत आते रहते हैं, इससे इसलिए कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि जब आप इस किस्म की जॉब करते हैं तो हर कोई देखे ना, हर प्लेयर समझता है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे खेलना चाहिए। लेकिन आपको जब 11 या 15 बनाने हैं तो आपके कुछ अच्छे प्लेयर्स बाहर भी होंगे, क्योंकि आपकी अगर जगह नहीं बन रही। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, जिस वक्त मैं पाकिस्तान की टीम में आया, पाकिस्तान मैं अच्छा करता था, परफॉर्मेंस भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन 11 में जगह नहीं मिलती थी। इसलिए कि वो 11 की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, यू नो, मैं मियादाद को रिप्लेस नहीं कर सकता था, मैं जहीर अब्बास को रिप्लेस नहीं कर सकता था, मैं आसिफ इकबाल को रिप्लेस नहीं कर सकता था, मैं मुश्ताक मोहम्मद को रिप्लेस नहीं कर सकता था। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नहीं, वहां मेरे से ज्यादती हुई, पाकिस्तान कराची में मैंने 153 की रन की इनिंग खेली और मैं लाहौर में जाकर ड्रॉप हो गया। आजकल तो 150 करके लोग पता नहीं 10 इनिंग लेकर खेल जाते हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बंदे को यू नो रियलाइज करना चाहिए कि आप किस दौर में खेले हैं। अब लोग बिस्बा के मुतल्लिक कहते हैं कि उसको बड़ा लेट मौका मिला, लेकिन उस वक्त देखे तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या थी, इंजमाम डोमिनेट कर रहे थे, यूसुफ डोमिनेट कर रहे थे, तो मिस्बा कहाँ जगह बनाता, यूनस खान डोमिनेट कर रहे थे। सो इसलिए फिर जब उसको वक्त मिला। टीम से। अच्छा ये बताइएगा कि जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में आए तो उससे पहले वो आपके अंडर टीम में थे, उस वक्त आप पाकिस्तान की टीम के अंडर 19 के कोच थे, तो ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि शाहिद अफरीदी को जब कॉल आई और वो वहां से नैरोबी गए तो वो क्या सीन किया था? हाँ जी, वो कुछ इस तरह था कि देखें, हम अंडर 19 के टूर पे थे वेस्ट इंडीज में, और मैं इसको थोड़ा सा पहले भी ले जाऊं कि शाहिद आफरीदी, देखें अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है हर एक शख्स के लिए कि किस तरीके से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वेस्ट इंडीज जाने से पहले हमने ट्रायल्स लिए थे कराची में, लाहौर में, और जिसमें इकबाल कासिम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, शफीक पापा हमारे साथ थे और मैं भी उनका साथ दे रहा था इसमें। हमने जब टीम सिलेक्ट की तो शाहिद आफरीदी ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, इसलिए कि हमने एक ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर सिलेक्ट कर लिया हुआ था। ऑफ स्पिनर ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था और लेग स्पिनर ने हाईएस्ट विकेट्स लिए हुए थे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। लेकिन जब मैंने शाहिद आफरीदी को बॉलिंग करते हुए और हिटे मारते हुए देखा, जब हमने उस ट्रायल मैचेस में, तो मैंने इकबाल कासिम से मशवरा किया और मैंने उनको कहा कि मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप इसको मान लें। उनका क्या, मैंने कहा यार क्या हम दोनों लेग स्पिनर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑफ स्पिनर में इतना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा कि आगे जाके ये क्रिकेट खेलेगा, लेकिन इस यंग लड़के में मुझे जो शाहिद नाम है जिसका, ये बॉलिंग भी तेज कर रहा है, यू नो तेज लेग ब्रेक करता है और हिटे भी बड़ी अच्छी मारता है, फील्डर बहुत जबरदस्त है, तो उसको कहता है देखो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर तुम माजिद खान से बात कर लो जो CEO है उस वक्त, उनसे अगर तुम बात कर लो वो मान जाते हैं तो कोई इशू नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ उनसे। मैं माजिद खान साहब के पास गया, उनको कहा कि जी ये इशू है, मुझे उसे पोटेंशियल नजर आता है लड़के में और वो हम दोस्त लेग स्पिनर ले जाएं, आपको तो कोई इतराज नहीं है? उसने कहा नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर तुम कन्विंस हो कि दोनों लेग स्पिनर के साथ तुम जाना चाहते हो तो जरूर लेके जाओ। तो इस तरह शाहिद आफरीदी उस स्क्वाड का हिस्सा बना। हम लोग वेस्ट इंडीज में गए, 2 से 3 मैचेस 4 मैचेस हो चुके थे और उसमें शाहिद जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, सब कुछ जो अच्छा भी कर रहा था। तो रात को 3 बजे में पाकिस्तान से कॉल आती है सलीम अल्ताफ साहब, जो उस जमाने में चीफ सिलेक्टर थे, कि अरुण यार प्रॉब्लम हो गई है, देयर इज अ प्रॉब्लम, वो सहारा कप में हमारे 3 प्लेयर्स अनफिट हो गए, जिसमें मुश्ताक अहमद भी है, इंजमाम भी है और एक और किसी और प्लेयर का भी उन्होंने नाम। तो यार कोई तुम्हारे पास प्लेयर है जिसको तुम भेज सकते हो अंडर 19 से? अच्छा उस वक्त मेरे पास मोहम्मद वसीम भी थे जो आजकल चीफ सिलेक्टर हैं, मेरे पास अब्दुल रजाक भी थे, मेरे पास फजल अकबर भी थे, शाहिद आफरीदी भी थे। अब शाहिद आफरीदी को क्योंकि इवन मैं आई देख, थिंक जी अजहर महमूद भी शायद अजहर उसी महमूद, बैच में शायद थे। शायद उस प्रॉब्ली उस स्क्वाड में शायद अजहर महमूद नहीं थे, जहां तक मुझे, नहीं वो नहीं थे। सो यहाँ से फिर मैंने उनका कि हाँ मेरे पास एक है प्लेयर, मैं उसको आपको भेज देता हूँ, शाहिद आफरीदी उसका नाम है। कह रहे कौन है ये? मैंने कहा लेग ब्रेक बॉलिंग करता है और रिटे मारता है।
कहते अच्छा यार उसको तुम भेज दो क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसी को फिर ले जाएंगे। अब मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जब शाहिद को ये बताया तो शाहिद समझा कि मैंने उसको शायद ड्रॉप कर दिया या मैं उसको वापस भेज रहा हूँ सजा के तौर पर। उसके घर वालों के फोन आ गए मुझे कि हारून भाई ये क्या सिलसिला है, शाहिद को आप भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई वो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो गया है, वो यहाँ से कीनिया जा रहा है। और जब फिर उनको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ तो फिर शाहिद जब वापस गया तो 4 या 5 दिन के बाद मुझे लोकल एक जर्नलिस्ट मिला वेस्ट इंडीज में, मुझसे कहने लगा कि आपको पता है कि आपके उस प्लेयर ने क्या कर दिया वहां पर। मैंने कहा क्या हुआ। उस जमाने में वेस्ट इंडीज में इतनी जल्दी अभी वो हमें अखबार वगैरह नहीं मिलते थे ये सारी चीजें, तो उसने कहा उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। मैंने कहा है क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, उसने कहा जी उसने तो फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी है। सो दिस इज हाउ यू नो शाहिद आफरीदी का जो एंट्री थी पाकिस्तान की टीम में वो इस तरीके से हुई। सही। अच्छा ये बताइएगा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की, पाकिस्तान की टीम के कप्तान, विनिंग कप्तान, और पाकिस्तान की टीम को बहुत सी फतवाहत उन्होंने दिलवाई, लेकिन अब वो जब टीम के साथ होते हैं तो बेंच पर बैठे हमें नजर आते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये सरफराज अहमद के साथ ठीक है कि उन्हें टीम में है लेकिन वो प्लेइंग अलेवन में नहीं है? अगर वो प्लेइंग अलेवन में नहीं है तो क्या उन्हें टीम स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका सही जवाब तो मेरे अपने नज़दीक मोहम्मद वसीम को और वो टीम मैनेजमेंट को देना चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय में मैं हमेशा फील करता हूँ कि जब इतना सीनियर प्लेयर हो अगर वो 11 का पार्ट नहीं बनता ना आपका, तो फिर उसका 16 में बैठना जो है ना वो मुनासिब नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि देखिए 16 में बैठ के क्या सरफराज इम्प्रूव कर रहे हैं। सरफराज तो जिस लेवल पे थे मेरे अपने नज़दीक तो प्रॉब्ली T20 की कप्तानी से उनको हटाना नहीं चाहिए था जब ये फैसला किया गया कि सरफराज को हटाएं। ठीक है आप उनको टेस्ट क्रिकेट से हटा देते, आप उसको वनडे से हटा देते, लेकिन T20 की परफॉर्मेंस उसकी बहुत जबरदस्त थी। अभी वो एज कैप्टन एक आध सीजन या 2 सीजन वो खेल सकता था। खैर ये उनकी मैनेजमेंट का जो भी थी उनका फैसला था कि इनको हटाना है, लेकिन उसके बाद मेरे अपने नजदीक जो मैं फील करता हूँ कि शायद एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने अभी तक उसको रखा हुआ है कि कहीं अगर कोई ऐसा मौका हो तो उसको खिला दें। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको रिव्यू करेंगे इस थिंकिंग को, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि आपके पास जो यंग विकेट कीपर्स है ना वो अगर बेंच में बैठे हैं तो वो सीखते हैं, क्योंकि उस माहौल को सही। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम को देखना किस तरीके से वह काम होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि सरफराज तो इतना आगे जा चुके हैं कि वो उनके लिए अब ये चीज तो मैं समझता हूँ कि इतनी मुनासिब नहीं लगती मुझे। लेकिन ऑब्वियसली सरफराज आई थिंक अच्छे प्लेयर हैं जो कि कप्तान होके भी जिस तरीके से वो ड्रिंक्स और ये सारी चीजें लेकर आते हैं, दिस इज समथिंग जिसपे उनको दाद देनी चाहिए कि यू नो इस चीज को वो एज ए टीम मैन उन्होंने ये सारा एक्सेप्ट किया हुआ। सही। अच्छा ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट में तकरीबन तमाम तरह के रोल निभाए हैं, मैनेजर, कोच, और इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे टफ कौन सा रोल था? चीफ सिलेक्टर का, मैनेजर का, कोच का, या कोई और? देखिए मैं ये फील करता हूँ कि चीफ सिलेक्टर का जॉब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर वो मुहित होता है। आपकी टीम अच्छी कर रही है आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे, द मोमेंट टीम खराब होती है कहते हैं जी चीफ सिलेक्टर। भाई मसला ये है कि चीफ सिलेक्टर हो गए या टीम मैनेजमेंट मिलके जो टीम बनाती है वो समझती है कि ये बेस्ट अवेलेबल लॉट है जिसको हम लेके जा रहे हैं, तो टीम में हार और जीत तो होती है। आप यही देखेंगे कि जब भी डिबेकल होता है आप देखें सबसे पहले नजला सिलेक्शन कमेटी पे गिरता है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल चैलेंज समझ के कबूल किया था और मैंने उनको कहा भी था कि क्योंकि वो T20 का जो वर्ल्ड कप आने वाला था, मैंने कहा मैं इस बात की आपको जमानत नहीं दे सकता कि T20 की हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स अभी नहीं आए जो कि इन पुराने प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके, इसलिए हमें उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना सही। पड़ेगा और दूसरी टीमें जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। तो मेरा काम शुरू होगा आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन वो T20 का वर्ल्ड कप हारे, इतना क्रिटिसिज्म हुआ सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को फारिग करें, तो इस तरीके से उन्होंने हटा दिया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मैंने PCB के लिए जितना भी काम किया उसमें मैं समझता हूँ जूनियर लेवल के ऊपर जितना मैंने काम किया उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए। 2007 में जो मैंने U16 का एक प्रोग्राम लॉन्च किया उसके नतीजे में आज आपको तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम में नजर आ रहे हैं, जिसमें बाबर आजम, जिसमें मोहम्मद नवाज, जिसमें शादाब खान, जिसमें आप जितने भी ऐसे इमामुल हक, जितने ऐसे प्लेयर्स, समी असलम हो गया उसमें, जियाउल हक हो गए, यानी इस वक्त बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो या तो फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं या वो पाकिस्तान की टीम में जा चुके हैं।
मेरे अपने नजदीक ऐसे प्रोग्राम को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए पीसीबी को, कि यहाँ से ये रॉ टैलेंट जो है उसको लाके हम अकेडमी से ट्रेन करते थे उनको, ताकि, क्योंकि हमारे लड़कों के पास इनिशियल स्टेजेस में तो कोचिंग नहीं होती ना, और रियल सेंस में कोचिंग आपको निचले लेवल पे करनी होती है। अपर लेवल पे आने के बाद तो प्रोफेशनल्स हैं, उनको सब पता है क्या है क्या नहीं, उनको आप फाइन ट्यून करते हैं, बट रियल सेंस में निचले लेवल के ऊपर कोचिंग की जरूरत है। तो वो मैं समझता हूँ कि दो चार माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट्स अल्लाह ताला के करम से हुई, और आज पाकिस्तान में जितने भी आपके प्लेयर्स आ रहे हैं सारे अंडर 16 के उस प्रोग्राम से आ रहे हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि क्यों निचले लेवल पर कोचिंग से जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं वो घबराते हैं? पाकिस्तान की कौमी टीम की कोचिंग तो हर किसी को चाहिए, लेकिन निचले लेवल पर कोचिंग करने से वो थोड़े से ना पीछे हटते हैं, इसकी क्या वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह आपको समझ लेनी चाहिए, निचले लेवल पे आपको काम करना पड़ता है ना, आपको ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पर जब आप जिस किस्म की आप लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हो वो निचले लेवल पे नहीं मिलती। तो यही वजह है वो चाहते हैं कि जी हमें टॉप की टीम मिले। आप देखिए कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर निकलता है और वो कहता है कि मुझे जूनियर में लेके जाए, वेरैज दुनिया भर में आप देखेंगे कि अगर कॉर्टनी वॉश ने क्रिकेट छोड़ी तो उसने अंडर 19 को कोच किया, राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट छोड़ी तो उसने अंडर 19 को कोच बिल्कुल किया, क्योंकि कोचिंग की एबीसी जी सीख के ही ऊपर आना है ना आपने। ये थोड़ी कि एक प्लेयर खेलते खेलते एकदम से कोच तो नहीं बन जी जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट रोल है ऑल टुगेदर। जब आप खेल रहे होते हैं तो आप अपनी बैटिंग बॉलिंग से अपने आप को मनवा रहे होते हैं, लेकिन जब आप कोच होते हैं तो ना आप बैटिंग कर सकते हैं ना आप बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपने तो उन प्लेयर्स को अपने वो एक्सपीरियंस से बताना है कि भी किस किस तरीके से वो करना है। तो अंडर 19 लेवल अंडर 16 लेवल इज द बेस्ट प्लेस के जितने भी ऐसे फॉर्मर ग्रेड्स हैं उनको चाहिए कि निचले लेवल पे आकर कोचिंग करें, उसके बाद फिर आप सीनियर लेवल पे जाएं, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं होगा। सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि क्या मुस्तकबल में पाकिस्तान क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स की वापसी हो सकती है या नहीं? देखिए मैं अभी तक ये नहीं समझ में आया कि डिपार्टमेंट की हम क्रिकेट की बात करें, आप एक ही एलिमेंट देख रहे हैं ना, आप सिर्फ ये एलिमेंट देख रहे हैं कि वो जॉब्स दे देते हैं। जॉब्स तो अभी भी हम दे सकते हैं उनको, आप मुझे बताएं ना अगर इन्हीं डिपार्टमेंट्स को आप इन्वॉल्व करते जैसे कि हमारा प्लान था, तो जॉब्स तो वो वही कर रहे होते ना, वो अपनी जो भी डिपार्टमेंट जिस भी एसोसिएशन को लेता, ना सिर्फ ये कि वो उनकी जॉब को रिटेन करते और वो जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते वो। सो सिलसिला और बढ़ जाना सही था, लेकिन उन्होंने इसको दूसरे अंदाज में लिया, क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ने पूरी तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया ना इस कॉन्सेप्ट को, वो उनके पास टाइम इतना कम होता है, हम 5 से 6 मिनट की हमारी वो प्रेजेंटेशन में वो उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं यार मुझे पता है आप ऐसा करो 6 का मॉडल में ले आओ। तो 6 के मॉडल में भी मैं तैयार था कि ले लो, लेकिन डिपार्टमेंट्स की तो उसमें वहाँ वो गुंजाइश होनी चाहिए थी ना, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया जाता कि आपने इस रीजन को जो है ना अपने साथ लेना और इन प्लेयर्स की प्रोटेक्शन करनी और वो प्लेयर्स की जॉब जो है वो नहीं जानी, हमारा मकसद यही था। सो बहरहाल एनीवे आई होप कि ये आगे चल के ऐसे ही होगा। आप देखिएगा कि जितने भी जो स्पॉन्सर्स आएंगे ना, तो ये प्लेयर्स ना सिर्फ ये कि क्रिकेट एसोसिएशन के लेवल पे बट के सिटी लेवल के ऊपर भी इंसेंटिव काफी होंगे, हर एक अपना अपना स्पॉन्सर होगा, मे बी वहां भी छोटी मोटी जो है वो पैसे जो है वो इंट्रा सिटी क्रिकेट में उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। आई विश के ऐसे ही हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी लोग क्रिकेट एसोसिएशन को हेड करने आ रहे हैं उनमें विल हो, उनमें क्रिकेट की खिदमत करने का जज्बा हो, सिर्फ सीटें लेने का जज्बा ना हो कि जी मैं चेयरमैन बन गया तो मैं ये बन गया तो मैं प्रेसिडेंट बन गया, अगर इस एम के साथ आएंगे तो फिर क्रिकेट नहीं बन सकती। सही। अच्छा जो पाकिस्तान टीम के सॉरी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मीर हसन राजा, उनकी चेयरमैन की तकरीर किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम को वो बहुत आगे लेकर जाएंगे? देखिए सबसे जो बड़ा एडवांटेज जो मुझे नजर आता है वो ये है कि एक तो रमीज की वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है, बिकॉज वो कमेंट्री करते हैं इतने अरसे से और वो पढ़े लिखे वाइड क्रिकेटर हैं जो कि इस जॉब के अहल भी हो सकते हैं, प्लस वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर की प्रॉब्लम्स को और जो क्यों खुद भी वो फर्स्ट क्लास के सेटअप में खेले हैं, क्लब लेवल पे खेले हैं, तो उनको इस बात का पूरी तरह अंदाजा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स के प्रेसिडेंट आए हैं सिवाय चंद एक के वो क्रिकेटर्स नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या बड़े बड़े नाम थे, वो आके उनको क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं होता था, उनको जब क्रिकेट का नहीं पता होता था तो अपने साथ कुछ लोग रखते थे जो उनको क्रिकेट के ऊपर एडवाइस करते थे, वो एडवाइस अच्छी
अच्छी होती थी या बुरी होती थी, उनको नहीं पता लगता था कि मुझे कोई सही एडवाइस दे रहा है या नहीं दे रहा। वेर एज रमीज के साथ ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि क्रिकेट के बारे में वो बहुत सारी चीजें जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने की हुई है, इससे पहले भी वो सीईओ रह चुके हैं। और अगर आपको याद हो पीछे जब वो जनरल तौकीर ज़िया के साथ थे, तो यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 45 या 50 नए क्रिकेट ग्राउंड्स बने थे, और उन्होंने ही उस जमाने में भी स्कूल क्रिकेट शुरू की थी। सो मेरे अपने नजदीक अच्छा है, बट आई विश कि वो एक अच्छी टीम बनाए और उसको ऐसे लोग रखें जो रियल सेंस में काम करना चाहते हो। सिर्फ नाम वाले लोगों के साथ अगर वो चलेंगे तो मेरे अपने नजदीक इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या इन फ्यूचर हम लोग ये समझे कि हारून रशीद भी पीसीबी का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला के फजल से मैंने इतना काम कर दिया, मेरी भी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अच्छा है नए लोग आए, नई सोच लेकर आए, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में इतने हैं, प्रोवाइडेड कि उनमें इतनी अहलियत हो। अगर तो ये है कि नए लोग जो आए और उनमें इतनी अहलियत ही ना हो, सिर्फ इसलिए कि नहीं हमने जी सिर्फ बस नए लोग ही लाने हैं, तो फिर तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आप, मैं हूं या फॉर दैट मैटर कोई और मेरे जैसे क्रिकेटर्स हैं जो रियल सेंस में जिन्होंने क्रिकेट को खिदमत करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर नेशनल, यानी पाकिस्तान को और किसी चीज की जरूरत होगी हमारी, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई मना करे? मतलब मेरे अपने नजदीक, क्या मुझे अभी तो किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं जितना मैंने काम किया हुआ कि जी मैं लोगों के पास जाऊं कि जी देखें जी ये है फलाना। अगर लोग समझते हैं कि अगर मैं मुझ में कोई अहलियत थी या जो भी मैंने जो काम किया हुआ उसके रिजल्ट आए हुए थे, अगर वो कन्विंस होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा, तो आई थिंक ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की खिदमत करने का आपको ये मौका छोड़े। मैं तो इस तरह देखता हूँ इसको, तो इसको किसी और अंदाज में लें उसका मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा कि थ्रू आउट मेरे टेन्योर में जितनी क्रिटिसिज्म मुझ पर हुई है, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसके ऊपर हुई हो, लेकिन कभी आपने मेरी तरफ से रिएक्शन नहीं देखा होगा, कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने आके किसी को कहा होगा जी इसने ऐसा कर दिया वो कर दिया, नहीं। ठीक है, वो उनका तरीका कार है, वो उसको जिस अंदाज में देखते हैं शायद उनकी जॉब का हिस्सा है, मीडिया में शायद इसी तरह किया जाता है, तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है उनको जवाब देने की। मैं किसको जवाब देना था? जिन्होंने मुझे नौकरी दी हुई थी, और ऊपर अल्लाह ताला को, कि मुझे अपने जॉब ऑनेस्टी से करना है, और जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको अगर वो जॉब पसंद आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे रिटेन किया हुआ है। क्योंकि बाहर वाले तो ऑब्वियसली उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा, हमारे जो नए आने वाले यंगस्टर लड़के हैं उनके लिए आपके पास कोई मैसेज हो तो काइंडली वो कन्वे कीजिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि देखें, जब तक आपके अंदर लगन, जज्बा और वो पैशन नहीं होगा किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, और मेहनत करने का अगर जज्बा नहीं होगा, तो कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते। अगर लोग, जो मैं देखता हूँ कि शॉर्टकट में बहुत सिफारिशें आती थी कि जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, फलाना है, हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनके दोस्त हैं उनके, लेकिन जब मैं देखता था कि उनमें अहलियत नहीं है तो नहीं है। तो शॉर्टकट के लिए मैं सब उनको बस दूंगा यही मशवरा कि शॉर्टकट ना ढूंढें, आप में अपनी अहलियत है, आप जाएं मैदान में, अपने आप को प्रूव करें, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसकी मिसालें हैं, बाबर आजम को अगर मैं इतनी डिटेल में अगर गया, बाबर आजम का अगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर वाले उसको नहीं खिलाते थे, जब हमने अंडर 16 का, जब हमने अंडर 16 का ये प्रोजेक्ट जब खत्म किया, तो उसी सीजन में इन लड़कों ने बहुत परफॉर्मेंस की। अंडर 16 के बाद अंडर 19 के ट्रायल्स हुए, और हमारे सारे ये जो प्लेयर्स जो अंडर 16 में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके ये तकरीबन 17-17.5 साल के हो चुके हुए थे, इनको अपने रिस्पेक्टिव रीजन ने इनको सिलेक्ट नहीं किया। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने पीसीबी से रिक्वेस्ट करके कहा कि ये ड्रॉप आउट्स हुए हैं हमारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स, तो अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एनसीए कोर्ट्स के नाम से एक टीम अंडर 19 में मैं एंटर करना चाहता हूँ। तो क्रिकेट बोर्ड ने मेरी बात मान ली, तो मैंने बाबर आजम, मोहम्मद नवाज और इस तरह समी असलम, इनके ऊपर मैंने पूरी एक टीम बना के अंडर 19 का वो टूर्नामेंट खिलवाया, और वो टूर्नामेंट में हमारी एनसीए कोर्ट्स फाइनल में पहुंच गई। सो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं रीजनल लेवल के ऊपर या एसोसिएशन के लेवल के ऊपर सिलेक्शन की। सो फिर मैंने बाबर को इस्लामाबाद से खिलवाया, हसन अली को सियालकोट वाले नहीं खिलाते थे, मैंने हसन अली को इस्लामाबाद से खिलवाया, शकील शेख साहब वहाँ के उस जमाने में प्रेसिडेंट, उनसे रिक्वेस्ट करके कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं इनको खिलाएं, और देखिए वहां से खेल के वो लड़के पाकिस्तान में चले गए। सो ये चीजें हैं, इसको मैं इसीलिए कहता हूँ कि सही लोग आने चाहिए जो ईमानदार हों और सही सिम में काम करना चाहते हैं।
सही। थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब के आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, आपने बहुत डिटेल में पाकिस्तान क्रिकेट के नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, आपने बहुत तहम्मुल से मेरे सवालों के जवाब दिए और बहुत ही काम एंड कूल रहे, और यही आपकी खासियत है। यकीनन हमारे जानने वालों के बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो उनके जहन में थे और जो सुनना और देखना चाहते थे। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ताला जो चीजें रह गई हैं आपको दोबारा मैं कभी जहमत दूंगा, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।